बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार पर एक के बाद एक काफी धमाके हुए। वीकेंड का वार पर पहले दिन सलमान खान अर्शी खान पर जमकर बरसे, वहीं दूसरे दिन उन्होंने अली गौनी को भी जमकर लताड़ा। दरअसल बीते हफ्ते ही कैप्टेंसी टास्क में घर वालों ने काफी मस्ती की थी और किसी ने भी इस टास्क को सीरियसली नहीं लिया, जिससे कि ये पता चले कि कोई भी इस टास्क को जीतना चाहता है। ऐसे में सलमान खान ने अली गौनी की कैप्टेंसी को बिना सिर पैर का बताया। इतना ही नहीं, सलमान खान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सलमान खान ने अली गौनी की कैप्टेंसी को उनसे छीन कर ये जिम्मेदारी रूबीना दलाइक को दे दी है। सलमान खान का ये फैसला राहुल वैद्य और जासमीन भसीन को नागवार गुजरा। खैर, जैसे ही दोनों को पता चला कि अली गौनी की इम्यूनिटी उनके पास ही रहेगी, तब जाकर दोनों शांत हुए। जासमीन और राहुल वैद्य भले ही शांत हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अली गौनी से जिस तरीके से सलमान खान ने कैप्टेंसी छीन कर रूबीना दिलैक को दे दी है, उसके बाद अली गौनी के फैंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि रूबीना दिलैक को ये कैप्टेंसी खैरात में मिली है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि मेकर्स रूबीना और एजाज के ही फेवर में नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी देखिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर रूबीना को निशाने पर ले रहे हैं अली गौनी के फैंस। उनका मानना है कि रूबीना को ये कैप्टेंसी छीनकर जो अली गौनी से दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ खराब के तौर पर दी गई है, जबकि वो ये डिजर्व नहीं करती है कि वो घर की कैप्टन बने। आप भी देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा है और निशाने पर ले ली गई है रूबीना दिलैक। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अली गौनी से कैप्टेंसी छीनकर रूबीना को देना गलत है? तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा।